आज मेरा घर का बनया पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा सी, लेकिन पिज़्ज़ा भी वो जड़ा अज तो अं कुछ साल पहला लंदन च खादा सी, वो उदा टेस्ट हजे तक नहीं भुलिया। हर इत्थे नुक्कड़ दे उत्ते पिज़्ज़े दी दुकान है वा, अक्सर असी मंगाने भी रहने हैं, लेकिन फिर एंड ते कह दी दा वा कि वो मज़ा नहीं आया, उदा दा नहीं बनया। तो अज अं खुदकुशी कर लगे हाँ कि उस तरह का पिज़्ज़ा बनाइए, देखने कि उदा का बनता वा कि इदा का भी नहीं बनता, ये बनने तो बाद ही हम पता लगेगा। ये असी मेरी फोक राइटिंग थोड़ी पहला कर ली आ, क्योंकि एड्डी लंबी वीडियो नहीं बन सकती। मैदे हेफे दे नाल बना लिया वा, हेफा थोड़ी देर पिया रहा वा कुछ देर, तो जो आटा ताटा बन गया वा उसकी रोटी बन गई है, उन्होंने हूँ ट्रेच लगाउण लगे हाँ। उसके नाल थोड़ा जिहा तेल दे नाल किनारे जिहड़े आ उसके नरम करांगे, नरम करन तो बाद ये जिहड़ा चीज़ आ इहदे किनारियां च भरिया जाएगा। चीज़ तुहानू बाज़ारों बनिया बनाया मिल जाता, तुसीं अगर खुद बनाओगे तो काफ़ी मेहनत करनी पेगी, तो अजकल मेहनत करन दा किसे दा नहीं दिल करता कि मैं इन्नी मेहनत करा, क्योंकि जो चीज़ा तुहानू बनिया बनाइया मिलदियां वा तुहानू इन्ना कुछ नहीं करना पैंदा, इहदा एक मज़ा ही होर आ। बहुत थोड़े जड़े ने पिज़्ज़े वाले वो इस तरह बनाते हैं, उस तरह ही बस पतली रोटी उत्ते फुल पटाके पाए ओपन जी सुटिया चलो जी नैक्सट। लेकिन अगर तुसी चंगा पिज़्ज़ा खाना होवे, बड़ी बड़ी अच्छी जगह भी आ, लेकिन अपनी मर्जी का जो तुसी चाहते हो उन्हूं तुसी खुद घर भी बना सकते हो। थोड़ी जी मेहनत की लोड़ है वा, लेकिन उसका टेस्ट जड़ा वा मैनू लगता कि अच्छा ही रहेगा। हो सकता बाजार नालों तुहानूं महंगा भी पवे, क्योंकि तुसी एक एक चीज़ ते नहीं लिया सकते, हर चीज़ लैदा ज़्यादा मकदार ची हुंदी आ, किन्नी भी छोटी लै लो, लेकिन तुसी उन्हूं फिर दोबारा भी बना सकते हो। अगर तुहाडी फैमिली वड्डी आ तो ठीक आ, अगर थोड़े परजोन हो तुसी परसन हो तो ये तो तुहानू बाजार का ही वारा खाएगा। लेकिन असी हमेशा कोशिश करी दी कि खुद भी घर बनाइए ट्राई करिए। की बन रहा ये किनारियां नू, एक की वजन ये नाल की देखने च खूबसूरत है, ये खूबसूरत है। पिंडां वालियां करदियां हुंदियां सी इस तरह पोचा मार के ते उत्ते नौ मार दिंदियां ही, वह बड़ा सोहनिया दीवारां बन जांदियां ही, लेकिन वह भी एक डिजाइन हुंदा सी। ये मेरा ख्याल उदां दा नहीं काम, ये जिहड़ा चीज़ आ इस तों बाहर नहीं निकलेगा इहदे नाल, ते जो तुसीं ओफन च इहनूं रखोगे असीं इहनूं ओफन च बनावांगे, ते ओफन दा जिहड़ा वा टैंपरेचर जिहड़ा वा असीं पहलां 250 ते कीता, ते जदों फुल गर्म हो जाएगा ते उहनूं असीं 180 दे उत्ते लै आवांगे। इहदे उत्ते थोड़ी जी किनारियां दे उत्ते कलवंजी सुटी आ, ते इहनां नूं मैं फिर थोड़ा जिहा दबाउणा पएगा वरना वो उभर जाएगी। इस तों बाद इह जाएगा ओफन च, थोड़ा जिहा नूं लगाओ तेल किनारियां ते, एक ते उहदे नाल चमक आएगी पिज़्ज़े दे उत्ते ते दूसरा वो चिपकेगा भी नहीं। इधर ओफन जड़ा वा वो गर्म हो गया वा 100-200 दे उत्ते है इस वक्त, इहनूं अहीं करांगे हुण इस तों बाद 180 दे लागे। पिज़्ज़ा बनन तों पहलां ही पिज़्ज़ा कट्टण वास्ते आ गया वा, देखो एक कट्टणा आ कट्टणा वा कि वढ़णा वा बाद चों, जे तेट बन गया फिर तो मैं कुहाड़ी लियानी पेगी बाहरों।
लेकिन अमीर आ जिदा ओदी तैयारी आ पिज्जे दी ये पिज्जा ही बनेगा। आ उत्ते हुण लगाया है टमाटर दा जड़ी पेस्ट उनू नाल कुछ ओदे च जड़े तुसी अपने मसाले पाउणे आ वो पाए आ नमक मिर्च। मेरा ख्याल ओवन वाजा मारन दिया वा कि मैं गर्म हो गया वा ओदियां आवाज़ां आ रही वा लेकिन साडा ये पिज्जे का मटीरियल पूरा इन्ना तैयार नहीं होया कि असीं इहदे विच रखिए। मैंने जरा खामोश किया वा वरना वो साढ़े तो ही बहुता काला लगन दिया। वाह जी ये उत्ते हुण की पैना। हाँ मैं ख्याल ये दो चार चीज़ा वा जिहड़ियां पैणगियां सब्ज़ मिर्चा साड़ी पाकिस्तानी मिर्चा या इंडियन मिर्चा बहुत तेज़ होंगी आ तो तुम अपनी मर्जी के मुताबिक पानी आ वड्डी मिर्चा जिन्हों अं कहने कश्मीरी मिर्च कह दिया जाता मेरा ख्याल शिमला मिर्च। अच्छा लागे लागे ही आपदे शैंपियन आ मकई आ प्याज आ चीस दो किस्म दे नाल छोटे टमाटर ये हुण इहदे उपर इन्हां दी मीनाकारी होएगी इहनू थोड़ा जिहा दुल्हन बनाया जाएगा पिज्जे नू। देखो ये की है इहदे ते आउंदा है पेस्ट ते चंगी रज के मल दिती आ। ओ जी आ गया पहला चीज थोड़ा जिहा इहदे ते पिया चीज ते नाल ही इहदे उत्ते आ गया है शैंपियन ते नाल मकई। मकई नूं मैं ख्याल थोड़ा जिहा उबाला गया वा थोड़ा जिहा फ्राई किया गया वा तेल दे विच शैंपियन भी ताकि ओहदा टेस्ट जिहड़ा वा बेहतर हो जाए वरना तुहाडे मूंह च कच्ची कच्ची आएगी। हर बंदे का एक अपना तरीका बनाउण दा असीं नूं इस तरीके नाल बना रहे हैं। देखो शायद चंगा ही बन जाए तो जे चंगा बन गया तो तुहाडे नाल शेयर जरूर करांगे तुसीं भी ट्राई करियो। पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ आ जिहदे उत्ते तुसीं कुछ भी पा सकते हो तो उहदा जिहड़ा मर्जी नाम रख लो। इहदे नाल तुसीं चिकन आ चिकन नूं पहलां थोड़ा जिहा बनाया गया वा कोई भी चीज़ जिहड़ी पिज़्ज़े ते तुसीं पाउणी आ उहनूं पहलां तुसीं बेहतर आ के इहनूं पका लो। कच्चा कच्चा उत्ते पकाओगे ओवन दे विच तुहाडा नहीं तैयार होएगा इस करके ये भी है चिकन आ प्याज आदम तनिया शनिया पा के उन्होंने चंगी तरह एक ओदी शेप बनाई गई आ। लो जी ये तो वाकई मसहरी वाले काम हो गया पिज़्ज़ा की बन गया दुल्हन बन गई आ। ये हुण इहनू इहदे उत्ते होर की रह गया पाउण वाला और जी हरी मिर्च हसबे नासब जिदा जिदा की तुहानू चाहीदी आ तेज चाहीदी तेज पा लो थोड़ी चाहीदी थोड़ी पा लो मैं ख्याल काफ़ी आ बहुत तेज आ जिहड़ी छोटी मिर्च आ इहदे नाल तुसीं टमाटर भी पा लो। बस मेरा ख्याल काफ़ी आ उन्हें पिज्जे ने ना नहीं करनी कि मेरे उत्ते ना पाओ ये आप ही तुसी अपना हाथ रोकना वा उहदे उत्ते जिन्ना मर्जी बोझ पाई जाओ। आ नाल एक हॉलैंड शिज़ोज़े आ पिज्जे वाले नूं तो खैर पता ही होना वा तो जिहड़े बनाउंदे रहिंदे लोग उन्हां नूं भी पता ही होना ये जरा नरम हो जाता वा
ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪੀਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪੀਜ਼ੇ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੀਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੇਸਟ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਪੁਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਕ। ਅੱਛਾ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਮਸਰੋਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਸਰੋਲਾ। ਇਹ ਮਸਰੋਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਗਏ ਆ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1990 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੇਰੀ 40,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਉਹ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੀਜ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਓਵਨ 'ਚ 180 ਗਰਾਟ। ਇਹਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 20 ਮਿੰਟ, ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਆਹ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਆਹ ਵਾ ਅਖਬਾਰ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਸਮੈਲ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟਿਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਓ, ਨਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਉ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਸਲਾਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਓ ਹੋ 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 ਇਹ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਓ ਆਈ 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 ਆਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਆ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਤੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਥੱਲੋਂ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਣ ਹੀ ਗਈ ਅੱਜ। ਲਓ ਜੀ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਫੇੜਨਾ ਪਏਗਾ ਥੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜੀ ਇਸ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ,
फिर ये करो टोटे टोटे, फिर ये मैं करांगा टोटे टोटे, नाल लांगड़ा मैं सलाद, इनू लियाओ इधर, मेरा ख्याल आ एक दो मिनट नू लगन गे। वाह मेरे ते मुंह च आ गया जे पानी भी, एक पीस कट के रखो ये तो मैं लगेगा, मैं ख्याल अद्धा कते घंटा लगेगा, पूरा तो खैर मैं नहीं खा सकता लेकिन बड़ा लंबा दिन ना मेरे को खा लांगा मैं। अपने वास्ते तुसी बनाओ होर नवा एक जी, क्योंकि मेरा जरा वा सौखा हो गया वा, मैं ही खाना मुंह च पानी, प्लेट भी पिज्जे दी आ, स्पेशल पिज्जे दी प्लेट आ, इहदे च पिज्जा काफी देर गर्म रहिंदा वा, काफी मोटी आ, इहनू भी तुसी गर्म कर सकदे हो पहिलां थोड़ा, लेकिन मैं हां जरूरत नहीं आ। आ देखो जी नाल कोक होएगी एक, ते आ देखो पिज्जा जड़ा मेन चीज दी मैं देखनी सी, आ देखो विचों ओदा जरा चीज आ, यही मैं चाहुंदा सी, ओ जले भी ना, ओ अपना रंग भी ले दिखावे। लो जी मेरा हो गया पिज्जा तैयार, आपां ओदे च कोक थोड़ी क, नाल ओदे च थोड़ा क नींबू आ, मैं ते खावांगा नू अज स्वाद लै लैके। लो जी मैनू लगदा पिज्जे दी पछटेलूंग आ गई, किसी ने सुन लिया वा कि घर पिज्जा बन गया, बैलां होनियां शुरू हो गई, पर मैं नहीं चुकना, मैं ते पहला नू टेस्ट करांगा। ओके जी अल्लाह हाफिज़।